पहले अश्विन और जडेजा का आया जबरदस्त तूफान, फिर बुमराह सिराज के आगे बांग्लादेश हुआ पस्त। देखिए दूसरे दिन कैसे बांग्लादेश ने टेके घुटने, फिर शुभमन और विराट का आया जबरदस्त तूफान। विराट कोहली नहीं थे आउट, फिर भी एम्पायर ने दिखाया बाहर का रास्ता, हुआ जमकर विवाद। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। पहले दिन के खेल में जहां पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भारत की डूबती हुई नैया को बचाया था, क्योंकि शुरुआत में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी आक्रमण के तहत भारत के टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक ध्वस्त होता हुआ नजर आया, जिसमें भारत के दिग्गज खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। लेकिन ये वो भारतीय क्रिकेट टीम है जिसकी बैटिंग नाइन्थ पोजीशन तक गहराई रखती है, और ये दिखाया भी। रविचंद्रन अश्विन ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक शतक लगा दिया था, जिसके बाद दूसरे दिन के खेल में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पारी को आगाज किया, और उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला। कैसे जसप्रीत बुमराह के सामने बांग्लादेश घुटने टेकते हुए नजर आया, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हरा कर आ रहा था, वो कैसे भारत के आगे चारों खाने चित हो गया और महज कुछ ही टोटल पर ऑल आउट भी हो गया। क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ रहा दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस मुकाबले को बहुत बड़े मार्जिन से जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, चलिए बताते हैं आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। अगर आप पहले दिन की बात करेंगे तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा नाबाद खेल रहे थे, और भारतीय क्रिकेट टीम काफी ज्यादा बढ़त भी बना चुका था पहली पारी के अंदर। रविचंद्रन अश्विन शतक लगा चुके थे और कहीं न कहीं जडेजा उनके साथ में थे। दूसरे दिन के खेल में इन दोनों ने खेल को आगे बढ़ाया। रविंद्र जडेजा के रूप में भारत को बहुत जल्द विकेट दूसरे दिन के रूप में लगा, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने 343 रन पर अपना 7वां विकेट गंवाया। जी हां, ये भारतीय क्रिकेट टीम जो 146 रन पर अपना 6वां विकेट गंवाती है, तो 7वां विकेट 343 रन पर, यानी तकरीबन 200 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में देखने को मिली। लेकिन दूसरे दिन जडेजा कुछ खास नहीं कर सके, 124 बॉल पर टोटल 86 रन बनाकर 10 चौके और 2 छक्के लगाकर रविंद्र जडेजा पवेलियन की ओर चले गए। उसके बाद अश्विन और आकाशदीप इन दोनों ने पारी को संभालने का प्रयास किया। 20-25 रन की इन दोनों के बीच पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन जो आकाशदीप सिंह अच्छे लय में नजर आ रहे थे, जिन पर अश्विन ने भरोसा जताया था, जो अच्छे टच में नजर आ रहे थे, जिन्होंने अच्छे कवर ड्राइव्स लगाए, 4 चौके लगाए, जिन्होंने 30 बॉल पर 17 रन की पारी खेली और 367 पर 8वां विकेट, भारतीय क्रिकेट टीम को आकाशदीप के रूप में लग जाता है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के रूप में भारत को 9th विकेट लगता है, 374 रन पर 9th विकेट। रविचंद्रन अश्विन 113 रन पर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद बुमराह के रूप में 10वां विकेट लगता है, और टोटल इंडियन क्रिकेट टीम 376 रन पर 10 विकेट गवा देती है। टोटल 92 ओवर का खेल होता है, यानी बहुत बड़ा स्कोर था, जिसके जवाब में बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत लेनी थी। लेकिन पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सदमान इस्लाम आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, गेंद को वेल लेफ्ट करने के चक्कर में वो बोल्ड हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के आगे सदमान के आंख घुटने टेकते हैं, और कहीं न कहीं 2 रन पर पहला विकेट। हालांकि उसके बाद 20 रन की पार्टनरशिप जरूर हुई बांग्लादेश के कप्तान सांतो और अगर आप जाकिर हसन की बात करेंगे, लेकिन जाकिर हसन के रूप में आकाशदीप सिंह ने आते ही क्या गेंदबाजी करी, जो जाकिर हसन को बोल्ड किया वो वाकई में देखने लायक था। 22 बॉल पर केवल 3 रन की पारी खेल पाए, और 22 रन पर भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दूसरा विकेट चटकाया। इसके बाद आए मोमिनुल ने पहली गेंद पर ही आकाशदीप की वो बोल्ड हो जाते हैं, वही सेम रिपीट जिस तरह से उन्होंने जाकिर हसन को आउट किया, मोमिनुल भी बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार होते हैं और 22 रन पर तीसरा विकेट लग जाता है। उसके बाद मिसफक्यूर रहीम आ जाते हैं, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बल्लेबाजों में से एक जरूर है, इस टीम के मिडल ऑर्डर की आन बान और शान है, और उसके साथ में सांतो कप्तान भी थे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम 36 रन पर अपना 4वां विकेट गंवा देती है, और सांतो को आउट करने का काम मोहम्मद सिराज करते हैं, कोहली के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सांतो 30 बॉल पर 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और 36 रन पर अपने 4 विकेट बांग्लादेश क्रिकेट टीम गंवा देती है। लेकिन
पांचवा विकेट भी 40 रन के स्कोर पर लग गया और मुशफिकुर रहीम को आउट करने का काम जसप्रीत बुमराह ने किया कि एल राहुल के हाथों स्लिप में कैच करवा दिया। उसके बाद साकिब और लिटन दास ये दोनों जरूर खेल रहे थे और इन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। लिटन दास अच्छे शॉट लगा रहे थे, साकिब अल हसन भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। इन दोनों के बीच में तकरीबन 50 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली तो लगा कि अब बांग्लादेश कम बैक करने वाला है, लेकिन लिटन दास के रूप में 91 रन पर 60वां विकेट लगता है और उन्हें आउट करने का काम रविंद्र जडेजा करते हैं। एक स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल बहुत ही शानदार कैच पकड़ते हैं और 42 बॉल पर 22 रन की पारी खेलकर लिटन दास भी पवेलियम का रास्ता देख ले जाता है और उसके बाद मेहदी हसन मिराज आते हैं, लेकिन साकिब अल हसन भी उसके बाद कुछ खास नहीं कर सके। 112 रन पर 92 रन पर 7वां विकेट साकिब के रूप में लग जाता है और इन्हें आउट करने का काम भी रविंद्र जडेजा ही करते हैं। साकिब अल हसन भी स्वीप लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं क्योंकि इनसाइड एज लगकर इनके पैर पर लगी गेंद और उसे कैच कर लिया ऋषभ पंत ने, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, और ये साकिब के रूप में 92 रन पर 7वां विकेट। उसके बाद मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद ये दोनों क्रीज पर थे। हसन महमूद के रूप में 112 रन पर 8वां विकेट, 130 पे 9वां विकेट तस्कीन अहमद और 149 पे 10वां विकेट नाहिद राणा के रूप में, और टोटल 149 रन पर ही बांग्लादेश क्रिकेट टीम ऑल आउट हो जाती है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, सिराज आकाश और जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए और कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली पारी में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। तकरीबन 225 रन की पहली पारी में बढ़त, जो कि बहुत बड़ी बढ़त होती है, और उसके आगे दूसरी पारी से गेम को आगे बढ़ाया था। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, लेकिन इस बार रोहित शर्मा के रूप में 15 रन पर ही भारतीय क्रिकेट टीम को पहला विकेट लग जाता है। 7 बॉल पर 5 रन और केवल एक चौका लगाते हैं रोहित शर्मा और अपना विकेट गवा देते हैं। उन्हें आउट करने का काम तस्कीन अहमद करते हैं। उसके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल केयरलेस नजर आए। कुछ ऐसे शॉट जो नहीं खेलने चाहिए थे, जो बॉडी लैंग्वेज जो अच्छी नजर आनी चाहिए थी वो नहीं नजर आई, एक लेजीपन दिखा और जिसकी वजह से 17 बॉल पर 10 रन पर ही आउट हो जाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम को 28 रन पर महज दूसरा विकेट लग जाता है। और ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर दबाव में थी, लेकिन शुभमन गिल क्रीज पर थे और सामने विराट कोहली यानी टीम इंडिया के किंग कोहली और प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। इन दोनों ने इंडियन क्रिकेट टीम को मुश्किल समय से उबारने का काम किया और इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। लेकिन दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से पहले एक ऐसा फैसला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल विराट कोहली जो सेट हो चुके थे और शुभमन गिल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कर चुके थे, जो कि तकरीबन काफ़ी अच्छी 40 रन से भी ऊपर की पार्टनरशिप थी, लेकिन विराट कोहली एक गलत फैसले का शिकार हो गए। दरअसल LBW आउट करार दिया गया मेहदी हसन मिराज की गेंद पर LBW, लेकिन जब वो पवेलियम लौट चुके थे और थर्ड एम्पायर की तरफ से वो देखा गया तो फिर टीवी स्क्रीन पर देखा कि उन्हें इनसाइड एज लगा था, जो कि ना विराट कोहली को पता चला और ना कि ऑन फील्ड एम्पायर को, जिसके बाद एम्पायर का रिएक्शन कुछ ऐसा था जब उन्होंने टीवी स्क्रीन पर देखा कि विराट नॉट आउट था। अब रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तरफ ये इशारा करके रिएक्शंस दिया कि इनसाइड एज था और विराट को पता न चला, तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ये विकेट नहीं था विराट कोहली का, विराट कोहली स्वयं मायनों में नॉट आउट थे, लेकिन ना तो विराट को पता चला और ना ही एम्पायर को। एक गलत फैसले ने विराट को पवेलियम का रास्ता दिखा दिया और कहीं ना कहीं सेटल होने के बाद भी लगातार दूसरी पारी में विराट ना सिक्स दिखे। उसके बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद लौटे, जहां भारत 81 रन पर अपने 3 विकेट गवा चुकी है। 23 ओवर का खेल भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरी इनिंग का हो चुका है और इंडियन क्रिकेट टीम 308 रन की बढ़त बना चुकी है। अब उम्मीद है कि 400-450 के पार अगर इंडिया जाती है तो फिर एक तरफा मुकाबले की परिभाषा इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश को दिखाएगी। वेल, आप क्या सोचते हैं?